नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, जहां विधानसभा में जेपी दलाल से बोले हुड्डा, भविष्य में मेरी सरकार की तुलना की तो ऐसा खुलासा करूंगा कि कहीं के नहीं रहोगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा में नेशनल हाईवे समेत विभिन्न राजमार्गों के साथ बनी ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ग्रीन बेल्ट में लोगों ने बड़ी इमारतों का निर्माण कर लिया। हरियाणा सरकार ने यह बात विधानसभा में स्वीकार की है। ग्रीन बेल्ट में हुए अवैध निर्माण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। मामला उस समय गर्मा गया जब सीएम मनोहर लाल की ओर से जवाब देते हुए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्व की कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल पर उंगली उठानी शुरू कर दी। इस पर कड़ा नोटिस लेते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने गुस्से भरे लहजे में जेपी दलाल को कड़ी नसीहत दे डाली। जेपी दलाल की ओर से अंगुली करते हुए हुड्डा बोले कि भविष्य में अगर पूर्व की सरकार की कोई तुलना की तो वो ऐसा खुलासा करेंगे कि फिर आप कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। हुड्डा का इतना कहना था कि जेपी दलाल हाथ जोड़कर बैठ गए। हरियाणा सरकार ने सदन में जानकारी दी कि प्रदेश भर में ऐसे 1722 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए जो ग्रीन बेल्ट में बने हैं। 1500 से अधिक अवैध निर्माण के कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है और 393 निर्माण ढहाए जा चुके हैं। रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने ग्रीन बेल्ट पर हो रहे अवैध कब्जों का निर्माण विधानसभा में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं व अधिकारियों के संरक्षण में ही यह काम चल रहा है। कई नेताओं ने स्वयं ही ग्रीन बेल्ट पर कब्जे किए हैं, यहाँ तक कि उन ग्रीन बेल्ट पर कमर्शियल गतिविधियों तक संचालित कर ली है। उन्होंने इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल इस मुद्दे पर विपक्ष के हमलों को नहीं झेल पाए। वह बार बार अपने जवाब में फंसते रहे। बत्रा जब दलाल पर हावी पड़ने लगे तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।